हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में एर्थ वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर डिस्कस करने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पहुँचेंगे कि अगर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स दिए गए हैं तो अपने मन के मुताबिक रजिस्टेंस का हम किस तरीके से उन गिवन रजिस्टर्स के बीच में हम किस टाइप से कंबाइन करें जिससे हम स्पेसिफिक रजिस्टेंस हम ऑप्टेन कर सकते हैं। तो जनरली देखिए, दो टाइप का रजिस्टर्स होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन की हम अगर बात करें तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज और पैरेलल को अगर ले करके हम बात करें तो थर्ड टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो मान लीजिए कि हम सीरीज की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन सपोज कर लीजिए कि हमारे पास रजिस्टर है, दो रजिस्टर है और ये हमने रजिस्टर का सिंबल बनाया हुआ है और ये सर्टेन रजिस्टेंस का रजिस्टर है। ये इसी टाइप से हमारे पास दूसरा रजिस्टर है, ये पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों के बदले अगर हमें एक सिंगल रजिस्टर अगर इस्तेमाल करना होगा तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक, मतलब इन दोनों के बदले अगर हमें एक सिंगल रेजिस्टर इस्तेमाल करना होगा तो उस सिंगल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होगी। अब देखिए, इसमें बात समझने वाली क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टर है, ये हमने दो रेजिस्टर लिया है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन हो सकता है, तीन से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम इन रजिस्टर्स को बैटरी से कनेक्ट कर दें, अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरी सर्किट में सेम करंट फ्लो करती है, हर जगह जो करंट फ्लो करेगी सेम करेगी, मतलब आई करंट हर जगह फ्लो करेगी। इस रजिस्टर के क्रॉस अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होगा अक्रॉस दिस तो आप क्या करेंगे, I into R1 कर लेंगे। अगर मान लीजिए रजिस्टर R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, I into R2 कर लेंगे। ठीक है, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी डिफरेंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R2। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि करंट जो होगी पूरी सर्किट में एक ही फ्लो करेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे दो रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा अगर रजिस्टर है, तीन है, चार है, इन जनरल अगर हमारे पास n रजिस्टर्स है तो इन जनरल RS जो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे ही RN, यहां पे जितने भी N रजिस्टर्स हैं सभी इंडिविजुअल हैं, तो फॉर N इंडिविजुअल रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी रजिस्टर्स होंगे सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर यहीं पे मान लीजिए कि सभी रजिस्टर इंडिविजुअल ना होकर के आइडेंटिकल अगर हैं, मतलब हर एक रजिस्टर की वैल्यू का रेजिस्टेंस R अगर है, तो उस सिचुएशन में N रजिस्टर्स के लिए जो इक्विवेलेंट जो रजिस्टेंस होगी
वह एन इंटू आर के बराबर होगा। यहां पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो रजिस्टर हैं, मैं पहले दो के लिए आपको बता रहा हूं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये दोनों रजिस्टर का पहला एंड है, ये दोनों फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्टेड है और सेकेंड एंड एक साथ कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले फर्क समझना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए सीरीज में पहले रजिस्टर का सेकेंड एंड और दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट एंड कनेक्टेड है। यहां पे दोनों रजिस्टर का फर्स्ट एंड एक साथ है और सेकेंड एंड एक साथ है। अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी का एक सिंबल है, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V अगर है तो V इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ठीक है, बात को समझिएगा। यहां हमने ओम्स लॉ लगाया है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। अब यहां पे I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1, और I2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R2। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट I ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट। यहां तक करंट I आ रही है, जंक्शन पॉइंट पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अक्रॉस R1 I1 करंट एंड अक्रॉस R2 I2 करंट। तो V इज इक्वल टू I1 इनटू R1 इज इक्वल टू I2 इनटू R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, और ये किसके बराबर होगा, तो V के बराबर होगा। एट द जंक्शन पॉइंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जंक्शन पॉइंट मान लीजिए पॉइंट A है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमने लिखा है एट जंक्शन पॉइंट, मतलब एट A एंड B, A एंड B जंक्शन पॉइंट है, वहां पे हमने लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हम इसे फर्स्ट कर लें, इसे हम सेकेंड कर लें, इसके उल्टा भी हो सकता है, आप पहले इसको लिख के फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकेंड कर लीजिए। तो देखिए इन व्यू ऑफ वन टू कैन बी रिटेन एज और वी कैन से री रिटेन एज। तो देखिए इसके पहले एक चीज और हमको समझना ये पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों रजिस्टर के बदले में एक सिंगल रजिस्टर इस्तेमाल करें जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आरपी अगर है, पी हमने सफिक्स लिया है पैरेलल के लिए और यहां पे एस लिए थे सीरीज के लिए, इन प्लेस ऑफ दीज टू, मतलब इन दोनों को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आरपी से, और आपका बैटरी वही है, बैटरी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया है, बैटरी वही है, बस केवल दो रजिस्टर के बदले में हम लोग एक इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह एक ऐसा रजिस्टर है
जो कि इन दोनों के बदले इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये अकेला वही काम करेगा, ये दोनों जो मिला के करेगा पैरेलल में। तो आई आपका वही रहेगा सेम करंट। तो यहां पे देखिए हम लोग V बराबर क्या करेंगे, I इंटू RP लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये मान लीजिए कि 3 है, तो इन व्यू ऑफ 1 एंड 3, इन व्यू ऑफ 1 एंड 3, इसको मैं फिर से लिखता हूं, इन व्यू ऑफ वन एंड थ्री, टू कैन बी री रिटेन एज। तो देखिए आई में हम क्या करेंगे, यहां से आई रखेंगे इन प्लेस ऑफ आई, तो ये हो जाएगा आपको वी अपॉन आरपी हो जाएगा, और आई वन यहां से रखेंगे। तो देखिए वी इज इक्वल टू आई वन आर वन है, तो आई वन निकालेंगे तो वी अपॉन आर वन हो जाएगा, और ये देखिए प्लस आई टू है, आई टू यहां से रखिए, वी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, तो आई टू आपका हो जाएगा वी अपॉन ये आर टू हो जाएगा। देखिए वी कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू मिल जाएगा। तो ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए दो रेजिस्टर के केस में। तो अगर इन जनरल मान लीजिए कि रेजिस्टर की संख्या एन रेजिस्टर्स है तो क्या होगा। तो देखिए इन जनरल 1 अपॉन आर पी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एन रजिस्टर अगर है तो ये हो जाएगा, ये हमने लिखा है फॉर एन इंडिविजुअल रजिस्टर्स के लिए, इंडिविजुअल रजिस्टर्स के लिए हमने लिखा है। अगर मान लीजिए कि सभी रजिस्टर्स की वैल्यू अगर सेम हो जाए, मतलब सभी रजिस्टर अगर आइडेंटिकल हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर एन टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये एन अपॉन आर हो जाएगा। और ये हमने लिखा है फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए। तो यहां से मान लीजिए कि अगर आप आरपी निकालनी है तो आर अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बता दूं यहां पे, जैसे ये मान लीजिए दो रजिस्टर की बात है, तो यहां से आप डायरेक्ट जो है आरपी के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, आर वन आर टू एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 1 अपॉन आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इंटू आर टू, मीन्स आरपी इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। अगर दो रजिस्टर अगर पैरेलल में दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिएगा। हाँ, दो से लेकिन ज्यादा अगर है तो आपको इसी फॉर्मूले को लगाकर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 3 रजिस्टर्स हैं तो 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। इनको आप सिंपल क्या है, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और लास्ट में जितना आएगा रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। हाँ, इसमें एक बात और समझने वाली है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा, सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और जंक्शन पॉइंट पे पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और बी पॉइंट पे कंबाइन हो जा रही है, ठीक है। बी पॉइंट पे आने के बाद करंट कंबाइन हो जा रही है। तो अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको अगर ये पता करना है कि अक्रॉस रजिस्टर R1 कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूं। तो देखिए I1 अगर आपको निकालनी है I1 की वैल्यू, तो I R2 रहेगा न्यूमरेटर में
और नीचे रहेगा R1 प्लस R2 रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपको निकालनी है I2 की वैल्यू, तो न्यूमरेटर में I रहेगा और R1 रहेगा और ये नीचे R1 प्लस R2 रहेगा। इसी फॉर्मूले पे जो फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है या मिक्स भी दिया हुआ है, तो आप कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद वेरी कंसेप्टेड टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।